दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज पर। दोस्तों अभी अभी आ रही है एक बड़ी खबर, अधूरी रह गई कादर खान की आखिरी इच्छा। शक्ति कपूर से लास्ट बातचीत में कहा था कि ठीक होकर जल्द ही इंडिया लौटूंगा। वेटरन एक्टर और कॉमेडियन कादर खान नहीं रहे। 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे कनाडा के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कादर खान के बेटे सरफराज ने उनके निधन की पुष्टि की। सरफराज ने कहा, मेरे अब्बा नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 31 दिसंबर को शाम 6 बजे उनका निधन हो गया। दोपहर में वे कोमा में चले गए थे। अस्पताल में वे करीब 16-17 सप्ताह तक भर्ती रहे। इंडिया लौटने की ख्वाहिश रह गई अधूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कादर खान ने आखिरी बातचीत में शक्ति कपूर से कहा था कि वे ठीक होकर जल्द ही अपने वतन यानी इंडिया लौटेंगे, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। खबरों के मुताबिक कादर को कनाडा में हूं सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कादर खान अमिताभ बच्चन के खास दोस्तों में से एक थे। उन्होंने साथ में अदालत, नसीब, कुली और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई फिल्में की, लेकिन अमिताभ के साथ उनकी एक दिली ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई। यह ख्वाहिश करीब 36 साल पुरानी थी। कुछ साल पहले बीबीसी से बातचीत में कादर खान ने कहा था, मैं अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और अमरीश पुरी को लेकर फिल्म जाहिल बनाना चाहता था। डायरेक्शन भी मैं करना चाहता था, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ ही मंजूर था। कादर के मुताबिक उन्होंने यह प्लानिंग की थी कि इसके बाद अमिताभ बच्चन फिल्म कुली के सेट पर बुरी तरह घायल हो गए। वे कई महीने अस्पताल में रहे। इस बीच कादर भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए और जाहिल बनाने का प्लान आया गया हो गया। बाद में जब बिग बी ठीक हुए, तब एक बार फिर कादर खान के मन में एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने का विचार आया, लेकिन तब अमिताभ ने राजनीति में आने का फैसला लिया और कादर की फिल्म नहीं बन सकी। राजनीति में आने की वजह से कादर और अमिताभ के रिश्ते भी खराब हो गए थे। दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह न्यूज कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।